गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे नाली खड़ंजा, चक्रोड और बच्चों के खेल के मैदान की कोई व्यवस्था नहीं। किसी भी तरह गरीब आदमी उनके लिए रहने के लिए प्लॉट को बर्बाद करने के लिए वो नहीं है जगह। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं पुराने सुभानपुर गांव में दिनेश त्यागी जी के पास में, आइए उनके बारे में जानते हैं। दिनेश कुमार त्यागी, गांव सुभानपुर, जिला बागपत। जी, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे नाली खड़ंजा, चक्रोड, सीमा विवाद और विधवाओं की पेंशन, वृद्धा पेंशन, बच्चों का खेल का मैदान, सड़क, तो बहुत सी समस्याएं हैं। आपके गांव की सबसे पहली मूल समस्या क्या है? मूल समस्या पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा पड़ा उधर भी इधर भी और इधर भी भर रहा है इधर साइड में और बच्चों के खेल के मैदान की कोई व्यवस्था नहीं। दिनेश जी, आपके गांव में इतनी समस्या है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है या विधायक, क्योंकि ये दो उसका वो है, जिला बागपत का और जिला गाजियाबाद की समस्या, दो सीम की समस्या होगी ना, इसमें विधायक मदद करे या जिला पंचायत मदद करे, कुछ गांव वाले मदद करें तब निकल सकता है। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जनता क्यों चुने? पर जनता यूँ चुन रही है कि भाई ये काम करवा सकते हैं, गांव में विकास करवा सकते हैं, प्यार मोहब्बत भी है और जैसे अभी मैंने बताया कि पेंशन या प्लॉट बहुत कई जगह नहीं है, मतलब प्लॉट के रहने के लिए या गोबर के लिए वैसे, तो इन समस्याओं की वजह से जा रहे हैं हमें। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हो तो जनता से क्या अपील करना चाहते हो? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि भाई वोट दो, भाई काम करवाएंगे जनता का, खड़ंजे नाली का करवाएंगे, सड़क का करवाएंगे, चक्रोड का करवाएंगे, रास्तों का करवाएंगे, जिसके प्लॉट नहीं है उसका प्लॉट का करवाएंगे, वृद्धा पेंशन वैसे बुजुर्गों की पेंशन बनवाएंगे, जो भी मदद मिलेगी सरकार से कोशिश करेंगे, सब मदद दिलाएंगे। जैसे आप बुजुर्ग हो तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हो? युवाओं के लिए हॉकी का मैदान बनवाएंगे, क्रिकेट का, यहाँ हमारे यहाँ पड़ी है जमीन, युवाओं के लिए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद।